जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। पहली अपडेट में जानेंगे, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री और बच्चा बच्चा देगा शुभकामनाएं। तो वहीं विपक्ष की बैठक से पहले अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी ने दे दिया अल्टीमेटम, कहा अगर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं दिया तो हम बैठक से बहिष्कार कर देंगे। तो वहीं विपक्ष की बैठक से पहले लालू प्रसाद यादव के पैर छूकर ममता बनर्जी ने लिया आशीर्वाद। तो वहीं विपक्षी बैठक पर जीतन राम मांझी ने बोला जबरदस्त हमला, बोले वहां पर प्रधानमंत्री पद के बहुत उम्मीद। तो उधर मिशन 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने भरी हुंकार, जल्द ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे कमान। तो वहीं भाजपा ने भी खोज निकाली महागठबंधन की काट, नीतीश कुमार को देगी कड़ी चुनौती, समीकरण हो गए तैयार। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को दे दिया बड़ा तोहफा, अब रोडवेज की सभी बसों में देना होगा आधा किराया। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास 2009 के बाद प्रधानमंत्री बनने का मौका था, उनकी वजह से कांग्रेस सत्ता में लौटी थी। उनको कई बार इसको लेकर कहा भी गया लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अखिलेश प्रसाद सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस का बच्चा बच्चा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं देगा और कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर विपक्ष में एकता हो जाए तो बीजेपी की सीटें 100 से भी नीचे चली जाएंगी। अगली बड़ी खबर, विपक्ष की बैठक से पहले अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी ने दे दिया अल्टीमेटम, कहा अगर कांग्रेस पार्टी ने हमारा समर्थन नहीं किया तो हम विपक्ष की बैठक का बहिष्कार कर देंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में एकजुट होने की कोशिशों में लगे नीतीश कुमार ने आज पटना में बड़ी बैठक बुलाई है। इसी बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश का मामला इस मीटिंग में उठाएंगे। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल का समर्थन करने का ऐलान नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी मीटिंग से वॉकआउट कर देगी। आम आदमी पार्टी के रुख पर कांग्रेस पार्टी के उच्च सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी किसी के दबाव में नहीं आएगी। इससे माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग का बहिष्कार कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, विपक्ष की बैठक से पहले लालू प्रसाद यादव के पैर छूकर ममता बनर्जी ने लिया आशीर्वाद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से उनके पटना स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आरजेडी के वरिष्ठ नेता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को शॉल पहनाई, साथ ही उनकी पत्नी राबड़ी देवी को साड़ी भेंट की। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए दोनों की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तमाम विपक्षी नेता एकजुट होकर केंद्र सरकार की सत्ता में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। अगली बड़ी खबर, विपक्षी दलों की बैठक में मायावती को नहीं दिया गया निमंत्रण, अब मायावती बोली कि ये लोग गंभीर नहीं हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने विपक्षी दलों की एकता को लेकर जोरदार हमला बोला। पटना में आज विपक्षी दलों की बैठक से पहले मायावती ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई ये बैठक दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को चरितार्थ करती है। बसपा अध्यक्ष मायावती को इस बैठक में न्योता नहीं दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि हमने सिर्फ उन दलों को आमंत्रित किया है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। केसी त्यागी ने कहा कि बसपा कह रही है कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, ऐसे में हम अपना निमंत्रण क्यों बर्बाद करें, इसीलिए हमने मायावती को निमंत्रण नहीं दिया। अगली बड़ी खबर, विपक्ष की पटना बैठक में सीट शेयरिंग और नेतृत्व के सवाल किए जाएंगे नजरअंदाजा, मणिपुर हिंसा पर भी होगी चर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के उद्देश्य से देश के प्रमुख विपक्षी दलों के शीर्ष नेता आज यहां पर पटना में मंथन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी मोर्चा के गठन की रणनीति बनाएंगे। सूत्रों ने आज इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि फिलहाल सूत्रों ने बताया कि इस बैठक को नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकजुटता की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है और इसमें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक आधारभूत रूपरेखा पर विचार विमर्श किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि हालांकि इस दौरान फिलहाल के लिए सीटों के बंटवारे और नेतृत्व संबंधी सवालों को नजरअंदाज किया जाएगा। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ये तो बस शुरुआत है, विचारों का मिलना महत्वपूर्ण है। इस वक्त चुनावी रणनीति, नेतृत्व संबंधी सवाल और सीटों के बंटवारे पर
पर चर्चा होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को घेरने के लिए विपक्षी दल जिन मुद्दों को उठाएंगे वे इस बैठक का शीर्ष एजेंडा होंगे और इस संदर्भ में मणिपुर हिंसा तथा इसमें केंद्र सरकार की कथित नाकामी पर चर्चा किए जाने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की बड़ी तैयारी, पोस्टर बैनर और होर्डिंग से पटापटना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में आज करीब 2 दर्जन राजनीतिक पार्टियों का महाजुटान होने जा रहा है। विपक्षी एकता की इस महाबैठक में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और वाम दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। बैठक की अगुवाई नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। पिछले कुछ महीनों से नीतीश कुमार विपक्षी दलों को जोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी दलों के महाजुटान से पहले पटना की सड़कों पर कई जगह बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। पूरा पटना पोस्टर बैनर और होर्डिंग से पाट दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा पोस्टर पटना के मध्य में वीरचंद पटेल पथ पर उनकी पार्टी जेडीयू के मुख्यालय के बाहर लगाया गया है। उस पोस्टर पर साफ संदेश लिखा हुआ है कि मन की नहीं बल्कि काम की, जो स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कटाक्ष है। इस पोस्टर के साथ एक बैनर है जिस पर लिखा है कि आगाज हुआ है, अब बदलाव भी होगा। अगली बड़ी खबर, विपक्षी दलों की बैठक पर प्रशांत किशोर ने बोला जबरदस्त हमला, जनता से की बड़ी अपील। बोले मोदी लालू नीतीश और कांग्रेस में से किसी पर भी भरोसा न करें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बीते साल 2 अक्टूबर से बिहार के विभिन्न जिलों में जन स्वराज पद यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी बैठक पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगले चुनाव में मोदी लालू नीतीश कांग्रेस में से पर भी भरोसा मत कीजिए। मैं बिहार की जनता से यह गुजारिश करता हूं कि आप इन पार्टियों के चक्कर में ना पड़कर अपनी सरकार यानी कि जनता की सरकार बनाइए, इससे ही आपका विकास होगा। आज नीतीश कुमार का हाल अंधों में काना राजा जैसा है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी दलों की बैठक पर जीतन राम मांझी ने भी बोला जबरदस्त हमला। बोले वहां पर प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत सारे उम्मीदवार हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। जीतन राम मांझी की पार्टी अब एनडीए में शामिल हो गई है। वहीं दिल्ली से बिहार लौटने के बाद पटना एयरपोर्ट पर जीतन राम मांझी ने मीडिया के विपक्षी बैठक को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 23 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक है, वहां पर प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत सारे उम्मीदवार हैं, ये एक बैठक में तय नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में अभी प्रधानमंत्री पद के लिए वैकेंसी खाली नहीं है। जीतन राम मांझी ने विपक्ष की बैठक को लेकर कहा कि वहां पर सब एक मत के नहीं हैं, प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी देश में नरेंद्र मोदी के सामने उनके जैसे दूसरा कोई व्यक्तित्व वाला नहीं है जो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में फिलहाल प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी खाली नहीं है। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने भी खोज निकाली महागठबंधन की काट, नीतीश कुमार को देगी कड़ी चुनौती, समीकरण हो रहे तैयार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की भावी चुनौतियों से निपटने के लिए भाजपा छोटे दलों लेकिन सामाजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ताकतों के जरिए अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटी है। भाजपा लोजपा के दोनों दलों के साथ जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सैनी को साथ लेकर आगे बढ़ने की तैयारी में है। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि इन दलों के साथ भाजपा 30 और 10 के फॉर्मूले पर सीटों का तालमेल कर सकती है, जिसमें 30 सीटें वो अपने पास रखेगी। इन दलों के कुछ उम्मीदवार भाजपा के चुनाव चिन्ह पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता की बड़ी कावायदा आज पटना में हो रही है, जिसमें देश भर के तमाम दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हो रही इस तैयारी में भाजपा की चिंता उन राज्यों को लेकर सबसे ज्यादा है जहां पर विपक्षी खेमा एकजुट हो रहा है और भाजपा के पास कोई बड़ा सहयोगी नहीं है। बिहार इसमें सबसे अहम है। बिहार में जदयू, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का बेहद मजबूत महागठबंधन है। दूसरी तरफ भाजपा के साथ केवल लोजपा के दोनों धड़े बचे हैं। ऐसे में भाजपा विपक्षी एकता के चेहरे बनकर उभर रहे नीतीश कुमार को उनके घर में ही कड़ी चुनौती देने के लिए सामाजिक समीकरण पर काम कर रही है। इसमें उसने नीतीश कुमार से नाराज चल रहे और उनसे दूरी बनाए हुए दलों और नेताओं को साधना शुरू कर दिया है। दलित खासकर पासवान समुदाय को साधने के लिए उसके साथ लोजपा के
केंद्र मंत्री पशुपति नाथ पारासा और सांसद चिराग पासवान के नेतृत्व वाले दोनों धड़े हैं। हाल ही में नीतीश सरकार से बाहर हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने तो एनडीए के साथ आने की घोषणा भी कर दी है। जदयू से बाहर आए उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी पार्टी के मुख्य सैनी से फिलहाल बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि बिहार में लगभग 7-8% वोट कुशवाहा समुदाय के हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी इसी समुदाय से आते हैं। मुख्य सैनी को साथ लाकर भाजपा मल्लाह समुदाय का भी समर्थन जुटाने की कोशिश में है, जिससे कि वो महागठबंधन को कड़ी चुनौती दे सके। अगली बड़ी खबर, मिशन 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने भरी हुंकार, जल्द ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे कमान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जुलाई में और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगस्त में झारखंड का दौरा करेंगे। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली जा रहे हैं। वे एक और जहां पर संगठन सशक्तिकरण के चल रहे कार्यक्रम के बारे में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से बात करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में जुलाई में कार्यकर्ता समागम और इसमें राहुल गांधी को आमंत्रित करने के मुद्दे पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही अगस्त में राजधानी रांची में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा करने के मुद्दे पर वो बात करेंगे। प्रभारी के माध्यम से ही दोनों कार्यक्रम तय किए जाएंगे। राज्य के कांग्रेस कार्यकर्ता भी राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम रांची में चाहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ही कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य के सभी मंडलों और प्रखंडों में अपना संगठन खड़ा कर चुकी है। अगली बड़ी खबर, मणिपुर हिंसा को लेकर सर्वदलीय बैठक से पहले विपक्ष ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा प्रधानमंत्री मोदी कहाँ हैं, सबसे पहले मुख्यमंत्री को हटाया जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 24 जून को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 24 जून को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक बुलाए जाने के बाद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पक्षपातपूर्ण एन बीरेन सिंह सरकार का जारी रहना और हिंसा प्रभावित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू न करना वहां के लोगों का मजाक उड़ाने जैसा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला बहुत देर से लिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने तर्क दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में बैठक आयोजित करने का कदम दर्शाता है कि विचार विमर्श उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं, तो ऐसे समय में मणिपुर के मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने का क्या मतलब है। मुख्य विपक्षी दल ने मणिपुर में हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी और इस बैठक के इम्फाल के बजाय दिल्ली में होने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मणिपुर पर सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री मोदी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर 50 दिनों से जल रहा है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक मौन रहे हैं। सर्वदलीय बैठक तब बुलाई गई जब प्रधानमंत्री खुद देश में नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण नहीं है। तो वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा ने आरोप लगाया कि मणिपुर में हिंसा पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति का द्योतक है। माकपा ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाना सबसे पहला राजनीतिक कदम होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को दे दिया बड़ा तोहफा, अब रोडवेज की सभी बसों में देना होगा आधा किराया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में महिला यात्रियों को अब आधा किराया ही देना होगा। राज्य सरकार ने उन्हें रोडवेज की सभी बसों में किराए में 50% की छूट देने का फैसला किया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए रोडवेज की बसों में सफर करने पर रियायत का दायरा बढ़ा दिया है। अब महिलाओं और बालिकाओं को राज्य की सीमा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर 50% की रियायत दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में हो गया समझौता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक समझौता हो गया है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी, यानी कि जब इस अध्यादेश को राज्यसभा में लाया जाएगा तब कांग्रेस पार्टी राज्यसभा
से वॉकआउट करेगी। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अध्यादेश को लेकर कांग्रेस अपना पक्ष साफ करने में इतना समय क्यों ले रही है, हमें सब जगह से समर्थन मिला है, कांग्रेस की चुप्पी बेहद संदेहजनक है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विपक्ष की बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंच चुके हैं। इससे पहले सूत्रों ने बताया कि अगर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का वादा नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी इस बैठक से बहिष्कार कर देगी। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं का बैक टू बैक होगा दौरा। 27 जून को लाल परेड ग्राउंड में पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चुनावी साल में मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए ये सप्ताह बहुत ही खास है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के 3 बड़े लीडर इस सप्ताह मध्य प्रदेश के अलग अलग दौरों पर रहेंगे। इन दौरों की शुरुआत गुरुवार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से शुरू होने वाली थी, लेकिन खराब मौसम के कारण गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द कर दिया गया, जबकि अगले ही दिन यानी 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। राष्ट्रीय लीडरशिप के सामने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करना प्रदेश बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। बता दें कि ये वीकेंड बीजेपी वीवीआईपी के नाम रहेगा। इस वीकेंड में बीजेपी की राष्ट्रीय लीडरशिप के 3 बड़े नेता मध्य प्रदेश आ रहे हैं। अमेरिका से लौटकर 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी प्रदेश का दौरा करेंगी। स्मृति ईरानी के दौरे के 2 दिन बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह से फिल्म आदि पुरुष को बैन करने की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपना चुनावी कैंपेन तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, जिस दुर्ग संभाग में कांग्रेस के 6 मंत्री आते हैं वहीं अमित शाह चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिल्म आदि पुरुष को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने अमित शाह से फिल्म आदि पुरुष को तुरंत बैन करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में जो बाइडेन ने किया जोरदार स्वागत, बोले ये 140 अरब भारतीयों का सम्मान है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इस दौरान राजकीय यात्रा पर गए पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में जोरदार स्वागत किया गया। यहां पर बाइडेन के अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैं सम्मानित हूं कि अमेरिका 15 साल के बाद भारत के लिए एक बार फिर से राजकीय यात्रा की मेजबानी कर रहा है। मैं जब वाइस प्रेसिडेंट था तो पीएम मोदी के साथ बहुत समय बिताया, मैं जब से राष्ट्रपति बना हूं इसको मैंने कायम रखा है। उन्होंने कहा कि हम 2 गौरवान्वित राष्ट्र 3 शब्दों से बंधे हैं, वी द पीपल। बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका हर विषय पर मिलकर काम कर रहे हैं, ये सब भारत अमेरिका और विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो भी हम आज निर्णय लेंगे ये आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे। जो बाइडेन के स्वागत भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य स्वागत आभार जताया। उन्होंने कहा कि आज व्हाइट हाउस में यह भव्य स्वागत समारोह 140 करोड़ भारतीयों के लिए सम्मान है। उन्होंने कहा कि मैं 3 दशक पहले यूएस आया था और व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। मैं कई बार अमेरिका आया लेकिन पहली बार इतने भारतीयों के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे खोले गए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।